हिंदी पहेलियाँ। पहेली नंबर एक। ललनपुर गांव के लोग हमेशा की तरह भूतों से बहुत परेशान थे। इस बार वहाँ एक हवेली में भूत आ गया था, इसलिए कोई उस हवेली में नहीं जाता था। लेकिन चार दोस्तों ने वहाँ जाने को सोचा। चारों हवेली के अंदर गए और फोटो खींचने लगे। उन्हें कोई भूत नहीं दिखा, लेकिन चारों ने जब फोटो देखना शुरू किया तो वो बहुत डर गए और वे वहाँ से तुरंत भागे। क्यों? ऐसा क्या देखा उन फोटो में? क्या आप उन चारों फोटोज को देखकर बता सकते हैं कि वहाँ से वे क्यों भागे? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। आंसर है, हवेली के अंदर सिर्फ चार लोग थे। लेकिन अगर आप ये वाला फोटो देखेंगे तो ये सेल्फी भी नहीं है और इस फोटो में चारों लोग मौजूद हैं। मतलब किसी और ने ये फोटो खींचा है। मतलब हवेली में भूत है। वे तुरंत यश घोस्ट हंटर को फोन लगाते हैं। तभी यश वहाँ आता है और भूतों को पकड़ना शुरू कर देता है। क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ कितने भूत हैं? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। आंसर है, यहाँ टोटल 3 भूत हैं। कुछ इस तरह से तभी यश अपनी बंदूक बाहर निकालता है और तीनों भूतों को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर देता है। पहेली नंबर 2। एक गुफा थी जिसे गांव के लोग उस गुफा को भूतिया गुफा मानते थे। गांव के लोग कहते थे वहाँ एक भूत रहता है। एक बार गांव की 3 लड़कियों ने सोचा, चलो देखते हैं कि असली में गुफा में भूत है या नहीं। फिर तीनों गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। फिर तीनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा के अंदर जाएंगे, ऐसे में डर कम लगेगा। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। पहली लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था तो मुझे डर नहीं लगा। दूसरी लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैं बीच में थी इसलिए मुझे भी डर नहीं लगा। तीसरी लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैंने भी तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए मुझे भी डर नहीं लगा। अचानक तीनों एकदम से डर जाते हैं। आखिर क्यों? अब तो गुफा के बाहर सही सलामत आ गए थे, फिर डरे क्यों? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। आंसर है, तीनों डर गए क्योंकि 3 लोगों में से सिर्फ 1 लड़की ही बीच में रह सकती है और बस वही 2 लोगों का हाथ पकड़ सकती है। मतलब बाकी 2 लोगों का हाथ भूत ने पकड़ा हुआ था, इसलिए वो डर जाते हैं। वे तुरंत यश घोस्ट हंटर को फोन लगाते हैं। तभी यश वहाँ आता है और भूत को पकड़ लेता है। यश घोस्ट हंटर की बहादुरी के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।